यार क्या लगे दो है चलो आने तो दो यार दूसरी भी चल रही है वो अपन का भी कर लेते हैं भाई आओ सर आओ भाई लोग थोड़ा हटो सबको जाने दो वोटिंग का विजुअल बनाते हैं आओ आओ अभी चलो आओ सर आओ साथ ही रहेंगे आप बजे 7 बजे नहीं बजा क्या टाइम है तो खड़े रहो सर थोड़ा सा साइड पे भाई पीछे आओ सर फिंगर 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 सर सर एक बार फिंगर दिखा दीजिए आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी कि भारत देश का महापर्व है आज आम चुनावों यानी कि लोकसभा 2024 चुनाव का आखिरी वोटिंग फेज है आज भारतवासियों द्वारा दिया गया एक एक वोट ये तय करेगा कि इस देश की दिशा और दशा क्या होगी लोगों के लिए बने स्कूल अस्पताल स्कूली शिक्षा दवा दवाई इलाज कैसा होगा और हमारे देश का लोकतंत्र कितना मजबूत होगा ये आज वोट की ताकत से देश की जनता तय करेगी। ये वोट देने का अधिकार बहुत लंबे संघर्ष के बाद हम सब भारतवासियों को दिया गया। मैं आज हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा, प्लीज एक्सरसाइज योर राइट टू वोट। गर्मी बहुत है, छुट्टी का भी दिन है, लेकिन आज अगर हम वोट देने से चूक गए तो 5 साल तक फिर ये वोट देने का मौका नहीं आएगा, अपनी सरकार चुनने का मौका नहीं आएगा। जितना वोट आप लोग देंगे, घरों से निकल के जनता जितने वोट डालेगी, उतना मजबूत हमारा लोकतंत्र होगा। और खास तौर पे मैं पंजाबियों को कहना चाहता हूं, अपने पंजाब सूबे के वोटर्स को कहना चाहता हूं कि ऐसी पार्टी को, ऐसे नेता को वोट दीजिएगा जो सांसद बनने के बाद भारत की पार्लियामेंट में जाकर आपकी आवाज को, पंजाब के हकों की आवाज को मजबूती से उठाए, बुलंद करे। पंजाब के पानी से लेके पंजाब की किसानी तक, पंजाब की जवानी तक, हर मुद्दे को मजबूती से उठाए। बस इसी के साथ साथ सबसे यही गुजारिश है कि वोट डालें, भारी से भारी तादाद में अपने घरों से निकलें, अपने परिवार वालों के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, पड़ोसियों के साथ और वोट डालें, इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करें। बहुत बहुत शुक्रिया। सर फिंगर 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 सर सर एक बार फिंगर दिखा दीजिए अच्छी दे दिया।